बेटे की चाह रखने वाले ससुरालियों द्वारा विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया, वहीं जान से मारने की नीयत से छत से फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए पीड़िता द्वारा एसएसपी से मुलाकात कर नामजद लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि जनपद आगरा की रहने वाली हूं, जिसकी शादी सन 2016 में मथुरा के कोसी खुर्द में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद विवाहिता ने एक बच्ची को जन्म दिया, तब से ही ससुरालियों का उत्पीड़न बढ़ने लगा है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराली जन बच्ची के जन्म होने के बाद से ही उसे बेटा ना होने का ताना देते रहे और आए दिन बेटी के चाह में मारपीट करने लगते हैं। पीड़ित का कहना है कि बेटी की चाह ससुरालियों की इतनी बढ़ गई कि उसे जान से मारने का इंतजाम भी कर लिया, जहां सभी ससुराली जन द्वारा मारने की नीयत से छत से उसे फेंक दिया गया। पूरे मामले को लेकर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई अमन में नहीं लाई गई है, जिसके बाद पीड़ित द्वारा एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। ससुराल है वहाँ पे वीरपाल सिंह के बेटे के साथ, मतलब भानु प्रताप, उसके साथ मेरी शादी हुई थी 19 अप्रैल को 2016 में। तो उसके बाद है ना, एक साल तक तो ठीक हुआ चले थे, मतलब सब खुश माहौल था। फिर उसके एक साल बाद मेरी बच्ची पेट में पड़ी, उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा टॉर्चर करने लगे पीठ में। साल और बेटी पैदा हो गई तो उसमें मतलब लड़का नहीं हुआ तो उसके पीछे टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे। और फिर दूसरी बेटी पैदा हो गई मेरी, तो उन बेटी दो बेटियां पैदा हो गई तो मुझे इतना टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे सब लोग मिलके मेरे। और फिर अब अगस्त को 13 को मुझे पीटा गया घर में कमरे में बंद करके, और इतना पीटा कि सब लोगों ने, मेरे चाचा जी थे देवेंद्र सिंह और सुशीला सास थी, चचिया सास, और मेरी सास का नाम उमती और जेठ का नाम रॉकी, और जिठानी थी पूजा, और मधु थी, सी पी थी मेरी नंद ने जो दोनों, और मेरे मतलब घर पे पति थे, उन लोगों ने सबने सलाह बना के मुझे मारा था, बहुत मार के छत से फेंक दिया गया। मतलब भीड़ वगैरह हुई होगी तो कितनी मंजिल थी? 2 मंजिल थी। तो फिर उसके बाद में अपने थाने में तैरी थी? थाने में भी किया था, भाई ने किया था, मैं तो हॉस्पिटल में थी, सिटी हॉस्पिटल में। अच्छा। मुझे गुस्सा आया तो मैंने भाई को बताया सब कुछ। अच्छा। तो भाई ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, तो भाई ने मतलब थाने मगर वो करी थी। तो उसके बाद भाई अब यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे कुछ मतलब मदद नहीं है, पहले 2.5 महीने तक तो अभी कुछ नहीं हुआ, खाली एक पति पकड़ा है। अच्छा, कितने लोग थे इसमें भाई में? 8 लोग थे। अब इसमें जो फरार चल रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? 7 जने फरार हैं तो उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? अभी कुछ नहीं, अब वो सब अपने घर हैं, गिरफ्तारी कुछ मतलब पुलिस नहीं बोल रही थी, हाँ करेंगे, तो जब वो घर हैं तो जब कर ही नहीं रहे तो कब करेंगे? वो 2.5 महीना तो हो गया। तो आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने बोला कि हाँ कार्रवाई सत्संग दे देते हैं, हाँ करेंगे, आपकी कार्रवाई चालू हो जाएगी। हर बार मतलब 4-5 बार आ चुके हैं इस हालत में, पर कुछ भी नहीं हो रहा। अभी 2 बच्चियों को मैं बोलती हूँ दिलवाने की, अभी ये बोल देते हैं हाँ ठीक है ठीक है। पुलिस ने बिल्कुल